छोड़ो ना, कौन हाथ पे पता नहीं कौन हाथ छोड़ देना लू है बात में बने अच्छे से कपड़े फाड़ दे यार अरे छोड़ो खुद कपड़े पारियो नहीं फान छोड़ो ना कौन हाथ पे पता नहीं कौन हाथ छोड़ है तो लूंगा मैं इसको यार इरफान यार अरे और मैं इसको नहीं सही हमारी कार जो है ना वो यहाँ पे पहुँच चुकी है। हमने जो है ना कार्ड भेजा था, बारात अल्हम्दुलिल्लाह से आ गई है हमारे घर में। खाने पीने का इंतज़ाम जो है ना वो हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखो बाराते हैं और कपड़े इनके चेक करो तो ये फटे हुए कपड़े हैं। ये नहीं मैं ऊपर की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, ये वाला आपके कपड़े जो है ना नहीं बहुत फट रहे हैं। ये पहले खाए थे जब खोटी पे खड़े थे, ये जो है ना ये बहुत फटता जा रहा है। अमीर बात है सीधे, जब हम लेने गए थे ना ये फरमान भी मैं एक साथ थे, अबू भी साथ थे, मोहम्मद असलम भी साथ थे। मैंने उसको मना किया था कि ये कपड़े ना लो, ज्यादा देर नहीं तक थे उसने ज्यादा की कि मैं यहाँ शौक है। मेरे तो चल जाते हैं, वो मैं वॉशिंग में लेता हूँ ना, पूरे हफ्ते नहीं है और दे पूरे 15-15 साल भी मैंने हंडाए हैं कपड़े। जब मैं 43 साल का था तो 6 सूट मेरे अभी भी रखे थे। फरमान भी क्यों हंस रहे हो? आपका टाइम जो है ना वो आ चुका है और अभी उन्हें ये इसको आप खुद बोलें, ये गरीब तो वैसे लग रहा है देखने से, इसको बोलें अगर सौ जेब में है। वो बेचारा बीमार है, दवा के पैसे नहीं है, देखे उधारे दवा चिंता करे हमें बेचारा ना बोले। नहीं 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 उधारी ले रहा हूँ। बेचारा वो होता है जो जिसका कोई सहारा नहीं होता, यतीम होता है वो बेचारा होता है। आप कैसे सहारा बने हो, तुम जेब में तारीख करे हो, सौ होते निकाल दो निकाल दो। मैंने मैंने क्योंकि ये बड़ा भाई बने जो तू दे उसे है? मुझे कहा गया अच्छे खुराक खाओ मतलब फ्रूट्स खाओ, मैं वो भी नहीं ले पा रहा हूँ प्यारे भाई। तो आप अच्छा कपड़े फटा के अब हमें दिखा रहा है, अब मैं कंगाल हो गया हूँ यार। ये हकीकत है, इसीलिए जब बंदा कंगाल होता है तब भी ये चीजें शुरू कपड़े फटते हैं। गरीब ऐसे पहनते हैं, पहले हुए फटते हुए मैले ऐसे गुजारा। हमें अब ये ऐसे तो नहीं ठीक है ना, कपड़े ना पहने तो बड़ा भाई बन गया है, अब तो ये भुगतना पड़ेगा, हमारा भार जो है ना इसको उठाना पड़ेगा। और इसको जल्दी थी दुनिया में पहले आने की, अब तो हम खाएंगे इसको, ये जितना भी शोर मचाए। अगर वो पहले आ गए तो आप तो इनके साथ साथ आ गए। मेरे साथ ये भी तो मिला रहा ना, मैं मस्जिद गया तो चाहे ये चल नहीं पाता, मैं मस्जिद जाऊंगा। तो मैं स्कूल गया, मैंने कहा मैं अब स्कूल में जाता हूँ, तो ये भी पीछे दौड़ के आ गया, मैंने भी जाना है। तो हम मुझे ना एक अलग क्लास में बिठा रहे थे इसको अलग, कि आप दोनों अलग अलग पढ़ो। तो इसने क्या किया, मैंने इसी के साथ बैठना है। तो उस्ताद ने कहा आप पहले पूरा कैजा तो पढ़ो, तो कैजा तो पूरा सुनाओगे बाद में आप उसके साथ बैठना दूसरा कैजा। फिर इसने क्या किया वो सारा उसी टाइम सुना दिया, मैं बैठूंगा तो उसी के साथ बैठना। फिर उसके बाद मैंने कहा आप अलग अलग पढ़ते हैं, इसने एक भी नहीं मानी। फिर वो बीले वाला में स्कूल हाई स्कूल में गए, वहाँ भी एक साथ। फिर उसके बाद मैंने कहा अब मैंने पढ़ाई छोड़नी है, अब मैंने काम करना है। तो अब्बू ने कहा इरफान अभी आप छोटे हो, आप पढ़ाई करते रहो, फरमान अभी जाएगा अकेला मशीनों पे काम करेगा, आप बड़े हो जाओगे फिर आप जाना, अगले साल आप जाना। मेरे ससुर जी भी उस वक्त इसको मिनते करते रहे, अब्बू भी। इसने जिद पक्का ली के नहीं मैंने भी इसके साथ जाना है। लो सरगोधा इतना छोटा था, हाँ पहले सरगोधा गए थे, सरगोधा थे फिर वापस है फिर मशीनों पे। तो ऐसे मतलब इतना छोटा था, काम नहीं कर पाता था उधर मशीनों पे, तो ये ऐसे होती थे मशीन फटे, ये चाल भी नहीं सकता था, कुछ भी नहीं पता। मास्टर भी कहते थे इसे क्यों लेके आयो, कुछ नहीं काम होता।
मतलब ये आज तक मेरे ऐसे ही पीछे पड़ा हुआ है और समझ ले कि जब मैं पैदा हुआ था तो इसने भी पीछे से आवाज लगाई होगी। मैं जल्दी आना चाहता हूँ। आपसे ना पढ़ाई पे ऊपर जा रहा था तो ना मास्टर ने बोला आप एक क्लास ना पीछे पढ़े, आप दोनों एक एक क्लास में। अब इतने इतने नहीं, इतने तरीफे ना करो नहीं तो मैं फिर सर पे चढ़ जाऊंगा। तो दोनों एक साथ इकट्ठे भी मुकम्मल किए। तो ये देखे ऐसे ऐसे बड़ा तो मैं आपको बड़ा हो जाऊँ पढ़ाई में भी और वैसे उम्र में बड़ा हो जाऊँ। जो भी करें जितने भी बहाने बना लो, मैंने 100 लेना है आज। नहीं आज आपको मिल गया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं। हाँ मिल जाए बस ठीक है, आपको देख लो। सभी आपको देखते हैं, आज मेरी सुबह से ये हालत है, मेरी गर्दन साथ नहीं दे रही, आज फिर वही मामला चल रहा है। मैं इतना परेशान हूँ कि मैं अभी जाऊँ और किस डॉक्टर को दिखाऊँ कि ये जो है ना सेट करो। यार बचपन से ये तबीयत तो देखते आए, आज तो मौका मिला है खोल के खाने पीने का। कैसे आदमी हो यार, ये तबीयत को देखते रहे तो बाकी कुछ देखा तो वही इन चीजों से ना तबीयत ज्यादा बढ़ जाती है। अब देखे पैर भिगे हो रोना धोना दर्द। आज मेरे साथ वही सिलसिला है, मैं चाहे ऐसे भी बैठा हूँ चाहे ऐसे, वो ऐसा लगता है ऐसे दबा हुआ ऐसे कर नहीं हो रहे। यार मुझे कुछ नहीं लेना देना आपकी तबीयत से। ये वाला कांधा ठीक है ना, ये दोनों दुख रहे। अब मैं अपने परेशानी में बैठा हूँ, आपको बस एक ही राट लगी हुई है कि मुझे ये कर दो ये कर। यार कुछ हया करो, जितने भी सटोरियां सुना लो ना, मैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने लेना है बस लेना है। नहीं तो मैं ये कमीज आपका उतार के ना बकरियों को डाल दूँ। ठीक है ना, वो 100 हाँ इसके पास में है, पास भी उड़ा के ले जाऊंगा, मोची से सिलाई करवा दूंगा। 3 दिन मेरा पास ऐसे खाली पड़ा रहा अलमारी में, कुछ होता तो मैं सकून कर लिया उसने, मैं भी जेब में रखता सकून कर लिया। कल से 100-200 अब उसे लिए हैं, वो भी आप अब छीनना चाहते हैं। बहाने ना बनावे हूँ, 150 घंटा तक मिनता करना खाना। नहीं नहीं हाँ शेर खाल बेटा, तू के बड़ी बीबी है, वहां तो अपना काम करता दो, मैं को गुस्सा ना देवा, मुझे 100 चाहिए। नहीं मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं देते। इना तो उसी मैं तो लूंगा यार दो। अब एक बंदे के पास ना हो जबरदस्ती है, आप एक बंदा हो। मैं एक ही हूँ ना, मैं कौन सा 10 है। चलो आप ना कोशिश करो निकालो, मतलब कहीं से भी खुजा कर यार, अब बस भी कर दो। एक दफा बंदा इनकार कर देना, बार बार नहीं कहते, भारी है क्या, बार बार नहीं कहते, एक बंदा अगर इनकार कर दे तो। इतने इंसल्ट अच्छी नहीं होती, ठीक है, आपको महंगी पड़ेगी कल को। करो नहीं दो, हम अपना काम सोच समझ के करते हैं, ये मैं किसी अच्छी ज़रूरत में लगाऊंगा, खुद अपनी दवाई में लगाऊंगा, कोई अच्छी चीज़ खा लूँगा। ये जो चीज़ आप कह रहे हो ना, इससे मुझे डॉक्टर ने सख्त मना किया है और मैं वो जानबूझ के नहीं इस पंगे में पढ़ना चाहता कि मेरी तबीयत सारी ज़िंदगी ऐसे रहे। आप कुछ समझा करो, कुछ सोचा करो, मेरी बात पर अमल करना सीखो। और तो अम्मा तो करें दे आयो अन्या ब्याह अमा तो आखरी। मैंने कहा ना जितने भी पट्टियाँ पढ़ा लो, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, बहाल है तबीयत को, मैं जिम्मेवार हूँ क्या। तो हम कौन सा जिम्मेवार हैं आपके, पैसे दे तुम, हम आपके जिम्मेवार हैं आप। ऐसे ही मैं शोर लगा के रखा, अम्मी के साथ में दादे हो रहे हैं। अच्छा वो मांगे शर्मिंदा नहीं होता, मैंने 100 मांगा, तकलीफ बढ़ रही है, जाके सारे को बुला लो। अन्य थोड़े बैठे हैं, 100 पे जो झगड़ा बारात आए थे देखे, वो अच्छे से तारफ भी नहीं हो रहा, झगड़ा हो गया बारात में। वह मुख दे गाल मुकाम दे दे क्या ना, हमें आप सो जाए, मैं भी जा रहा हूँ अपने रूम में। जोल मैं तेरे कदम कच्छा जोल।
अपने ये ना मुझे मेरी बात सुनो, ये ना मुंह से निकालता है ना, मैं भी नहीं देने वाला। ये उल्लू बना रहे हैं मुझे सारे, मैं इतने आसानी से नहीं उल्लू बनने वाला। मैं मेरे पास कुछ होगा तो मैं भी दूंगा ना। अब मैं अपनी तकलीफ में गुजर रहा हूँ, मैं अभी बैठ नहीं पा रहा, मैं जब तुम जाके लेट हूँ चारपाई पे, आप होके मुझे तंग कर रहे हो। वहां ने सोम में कहा है आके तो कोई ता तब है, जाओ सो जाओ, तकलीफ है तो हमारे जो तकलीफ है ना वो नहीं समझ रहे, अपने में बुरे हैं। नहीं है फुर्सत है, फजूल खर्चा है, फजूल खर्चों के नहीं है। अब इलाज करो, अब खाना खाओ, आग लगाओ इलाज को। चल यार मैं कैमरा बंद कर लो, फिर लेता हूँ आपसे। मैंने इसको बोला है ना मैं ले सकता हूँ जैसे भी लेना चाहूँ, बीमार है कपड़े फाड़ दे यार, मेरे खड़ यार एक मिनट यार कपड़े फाड़ हटी, आराम करी दे तो खम, मैं जूती डाल रखे साल ऊपर अम्मा रख रहा है को अम्मा एक दूसरे जूते बच्चा ना दिख रहा कलर को तो थबी क्या बोलने क्या है जेंटल सो लेकर अरे लाल में पीम नहीं होता होता नहीं मेरा और कम और क्या अम्मा एक जूते मारते चले सी मैं चाहिए क्या मैं बंद सुनाई नहीं कहाँ छुड़ाना है कौशल को बोला कौशल तो आरे ठिकू मोबाइल यार कपड़े पारी हो रही फान बीमार अब कमाओ तो खाओ पूरे पहले से फटे हुए नहीं अभी चादर हुए पहले के इतना तमाशा लग चुके अंदाने ये तमाशा खड़ा कर यार इरफान अब मैं जिद पे आ गया हूँ जुते लग रहा था यार अम्मा तुम मारा नहीं मैं ना तुम जुती रहो मैं दोस्त हजार के तेजारी अरे ये बीमार है ना का ना कुछ तो नहीं लग रहा ना पता लग दे आज वाले अभी मैं इसको नीचे गिरा दूंगा ये फिर रोएगा रखिया फाड़ जाओ आपकी बारी है आपकी बारी
बस भी कर दो आप अपने कमरे में ना पिया तब हमसे नहीं आते जी बिस्मिल्ला ये लो बाबू ये लो चीना ठोको हम जब मांगते हैं तो ओ नहीं दस देर तू लिखता हूँ जेने तो सो तू सो निकाल बस अब नाना शराफत से बस खत्म अब हर किसी को वैसे रखूंगा जैसे मुझे करते हैं अब बहुत शराफत कर ले बस बस भाई नहीं देना मैंने बस मैं तो नहीं उजाड़ दूंगा तुम्हारी ये सो ना मिला तो उजाड़ दो यार होते तो देता ना क्यों को गुस्सा दिखा रहे हो कौन हो तुम पास दिखाओ है आपके पास तो बाप बस कर मुनी अमीर आके कर दो सारे सारे गेम ने अपने कम आरी कौ सारे आ पसीना पसीना चल रहा था यार ये गेम ने को गेम मारी ये भाई दिमाग खराब कर ये भाई है ऐसे होते हैं भाई ना उनके पास अच्छा मेरे पास होते मैं दे देती क्यों है इतना लड़ाई करते हर कीमत मैं आपसे नहीं लूंगा मैं ऐसे से लूंगा ऐसे ना जब भी कोई आपस में लड़ते थे ना मैं पैसे दे देती थी मेरे पास नहीं है मैं कभी नहीं लूंगा आपसे मेरा हक बनता है आपको देना लूंगा तो ऐसे ये जितना भी देख कर लो या तो ये खले खाएगा या मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा पैसे दे गए एक सौ के पीछे जाने दुश्मन बन के बैठा है अकल है कोई वो कुना देखो यार यार इतनी आवाज क्यों ऊंची आवाज मेरे सामने नहीं बतले कर यार ना रिलैक्स कर अभी भी सो रहे हूँ यार नहीं पान दे तो करे तो कंचा करना है तो ये बस मिला जो ना उससे हम नहीं करना है जो हम ले दिखें यार कोशिश करो मैं देखे मैंने इसकी कितनी इज्जत करता हूँ ये देखो सलीके से पेश दाढ़ी इज्जत कितने है ना इज्जत दाढ़ी कितने था ढाई तक ढाई मेरे पास है नहीं नहीं वो सारे कर दुख दिए ऐसे बड़े भाई से ना मजाक कर रहा था मैं वैसे इज्जत करता हूँ जब भी मैं इनसे सो मांगता हूँ ये कम नहीं तो दस बीस दे देते हैं आज भी लेकर रहूँगा हम तो बनता है इसका बड़ा भाई है ना इसने मुझे मारा है नहीं मजाक कर रही इसने मारा है मुझे हकीकत में देखो भाई लगते हैं कभी आपस में नहीं लगते ना मजाक कर रहे थे ना देखो खेल रहे हैं देखो चल आप मुझे लगता है आप भी इसके साथ मिले हुई हो छोटे बच्चे की आप देखो दुपट्टा पालो दुपट्टा सेना सहन हो रहा है दुपट्टा पालो सह जरूर इसको बोलो सौ दे पैसा इसके इसके बदले दे मैं जो बोलता हूँ मैं करता हूँ ठीक है ना बिस्मिल्लाह जी हमें ये देखें अब ये सौ मिल गया ना अब इतना हंगामा करने का क्या जरूरत है यार एक एक रुपया कीमती होता है आप पता नहीं अब उसने कहा पैसे बोलूंगा छोड़ देगा अब मेरे पास सिर्फ ये 500 है ये अभी दवाई लेने जाऊंगा अपनी भी लेनी है सभी की भी लेनी है सबर करो ये भी ले लेंगे सबर करो अब मैं आपको कहूँ कि मुझे दवाई के पैसे तो दोगे अब भाला मैं दवाई को मैंने क्या कहा चाहिए बेटा क्या नहीं मैं जेब दिखा जाते हो यार बस वो 500 संभाल के रखो इंसान ऐसे एक और मैं 2500 का सूट भी बर्बाद कर दिया पहले से फटा हुआ है यार मेरा कसूर नहीं है ऐसे ये इधर से जेब वाली जगह आपने फटाई झगड़ा
यार ये अच्छी बात नहीं होती लड़ाई झगड़ा। मैं तो कभी किसी से लड़ाई नहीं, ना मेरे आदत है। पता नहीं कैसे झगड़ा कर लेते हैं। चलो ठीक है, बस मैंने जो मस्का लगाना था लगा लिया और ये पैसे भी मेरे गए माशाल्लाह। ये झगड़ा वगैरह ये छोटा मोटा इससे कुछ नहीं लगता है। आपका दिल कर रहा था अगर सार पाने का भी इरादा होगा कभी तो वो भी फाड़ देंगे। पैसे तो नहीं होते हमें हर सूरत में, तो जाए इसको बेचना भी पड़े ना, इसके खोप लेना ये काट के तो फिर ना। अच्छा बताओ तो सही, उधर पे मजाक कर रहे थे। नहीं यार मैं हकीकत था, मैं देने नहीं वाला था। आप ने इतने जल्द की हकीकत ना बनाओ ना, ये तो मैं प्रैंक कर रहा था आपसे, आपको इतना भी नहीं पता। अच्छा फिर पैसे बता दो। नहीं पैसे वाला प्रैंक था ना तो वो फिर ये प्रैंक कैसा? पैसे वाला था मैंने, आपने पैसे मांगे मैंने इनकार किया, आपने मुझे मारा उलट पुलट करके इज्जत पकड़ी कितने कितने नुकसान का। आप कह रहे मजाक करो तो मजाक करो, पैसे मेरे वापस करो। पैसे वाला था मजाक, वो लेने थे मैंने, मैंने ले लिया। ये प्रैंक था? ये कैसा प्रैंक था? हमें ये प्रैंक हो सकता है? नहीं वो आया आपके सामने मुझे पैसे मांगे, मैंने इनकार किया, लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई करते करते आप जो है ना फिर कहता है मैं पैसे भी ले लिए, जिद इतना कर दिया, अब मैं मजीद तो मार बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। खामोश। मैंने कहा ये ना पैसों वाला मजाक था, ये सच्ची बात है। लेने तो मैंने वैसे भी थे आपसे, बस वो वीडियो में ऐसे मजाक चल रहे। मार के मैंने भी हमें देखे थप्पड़ भी नहीं मारा, मैंने हाथ भी नहीं उठाया, ऐसे समझो जैसे मैं गले मिल रहा था। इतना दिनों से मैंने गले नहीं मिला था, मार गले मिल रहा था। ये लड़ाई खड़ी होती है। सौ दे दिए जी आपको, बहुत शुक्रिया। फिर और लेंगे और भी ऐसे खाते करेंगे आपकी।